दोस्तों वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां पर टेस्ट वनडे के बाद 3 मैच की T20 सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का दूसरा मैच 11 फरवरी को एडिलेड में खेला गया। इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम करते हुए सीरीज पर 2-0 की बढ़त बनाई। हालांकि मैच में अल्जारी जोसेफ रन आउट हो गए थे, लेकिन अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल इस मैच में वेस्टइंडीज 242 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। टीम के लगभग सभी मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इस दौरान बल्लेबाजी कर रहे अल्जारी जोसेफ रन आउट हुए। उन्हें मिचेल मार्श ने रन आउट भी कर दिया, लेकिन वे अपील करना भूल गए, जिसके बाद अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। हालांकि बाद में जब इस दृश्य को बड़ी स्क्रीन पर चलाया गया तो ऑस्ट्रेलिया को पछताना पड़ा। इस मैच में तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने अपने 4 ओवर के स्पेल में किफायती गेंदबाजी की। उन्होंने 31 रन खर्च कर 1 विकेट अपने नाम किया। वहीं बल्लेबाजी में उन्होंने 5 गेंद में नाबाद 2 रन बनाए। हालांकि जब वे बल्लेबाजी करने आए तब वेस्टइंडीज इस मैच में काफी पीछे छूट गई थी और उनके नॉट आउट रहने से मैच के नतीजे में कोई फर्क नहीं पड़ सका।